बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। किचन में मैं आ गई हूँ क्योंकि किचन में जो है वो नाज़िया आज बड़ी ज़बरदस्त कुछ चीज़ हमारे बच्चों के लिए स्पेसिफिकली तैयार करके ऑलमोस्ट तैयार उन्होंने कर लिया। वो बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? ठीक बिल्कुल ठीक, आप सुनाए ठीक ठाक? बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज मैंने बनाया है मैक एंड चीज़। ओह मैक एंड चीज़। और मैक एंड चीज़ जो है वो बच्चों के लिए भी बहुत, बच्चों को तो खैर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन बड़े भी शौक से खाते हैं। और ये बड़ा फुल जो है ना ये मील होता है और इफ्तार के टाइम पर बड़ा मज़ा आएगा जब लोग खाएंगे। अच्छा ये जो मैंने बनाया स्पेशली, ये मैंने आज इसको बनाने के बाद, क्योंकि जब इसको पूरा मुकम्मल इसको आप पायरेक्स में इसको सजा देते हैं तो ऊपर इसके चीज़ डालते हैं, तो चीज़ को मैंने थोड़ा जो है उसको मेल्ट भी करना होता है, तो वो उसके लिए मैंने यूज़ किया है वेटिका किचन, ये अप्लायंस माइक्रोवेव है, ये मैंने यूज़ किया विच इज़ रियली रियली गुड। अच्छा वेटी की ख़ास बात ये कि एक तो ये कितने भी हमने जिस तरह बना रहे होते हैं रेडीमेड चीज़ें समोसे, तो हमें उनको डीप फ्रॉस्ट करना पड़ता है। इवन कभी कभार चिकन को भी जो है वो फटाफट मुझे डीप फ्रॉस्ट करना, तो वेटी इज़ द बेस्ट कि वेटी माइक्रोवेव से मैं इसको डिफ्रॉस्ट कर लेती हूँ। अच्छा एक और इसकी ख़ास बात यह है कि ये है एग्जैक्टली आप इसका जो वाईफाई अडॉप्टर है उसके ज़रिए आप तकरीबन 15 किलोमीटर तक जो है ना इसको आप यूज़ कर सकते हैं कि आपने अगर बंद करना है तो आप दूर चले गए हैं, भूल गए हैं कुछ ऐसा, तो आप इसे ऑफ कर दें। मतलब मैं निकली हूँ, मतलब 15 किलोमीटर तो ठीक ठाक दूर होता है, यानी कि मैं अगर ऑफिस आई हूँ तो मैं ऑफिस बैठी, मुझे याद है ओहो वो तो मैं खुला छोड़ा है, तो मैं यहाँ से बैठ के उसको ऑफ कर, तो आप उसे ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा तो नहीं था कि किसी और का बंद या खुल जाए, मतलब अपना ही रहता रहता है? नहीं, वो अपना कनेक्शन उससे वाईफाई के जरिए अपना ही वो कनेक्टेड होता है। अच्छा इसके अलावा ये कि दिस इज़ लाइक रियली गुड चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी है इसमें, तो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त जो है वो आपके लिए घर के लिए वेटी किचन अप्लाइंसेज जो हैं, ओवन भी है लाइक और काफी सारी इसमें चीजें मौजूद हैं। एयर फ्रायर भी बनाते हैं वो वाले, ये मुझे नहीं मालूम है, बस मुझे इन दोनों चीजें केक भी बेक कर ले और कुछ चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। चले अब मैं इसको जो है निकालती हूँ, वेटी का ग्लास भी मेरे पास मौजूद है। बिस्मिल्लाह। ये ग्लव के बाद तो नाज़िया का हाथ जो है ना वो आनी हाथ लगना शुरू हो गया है ना, ये जो है गरम बहुत, वो जी वो कहते हैं शिकंजे से आनी हाथों से निमटेंगे टाइप, ये इसके साथ है ना, ये है ना, लेकिन ये ले जाओ, ये बड़ा काम का ग्लव है क्योंकि नहीं, कुछ नहीं होता, ये सिर्फ तंग करता है, पता है कब, जब आप आग जली होगी उस वक्त, वरना ये इतना इसका वो नहीं। अच्छा ये बात सुने, ये फूलों के बगैर भी सर्व कर सकते हैं ना, ये कहां से बना लाए? लेकिन हम हर चीज फूलों की स्टेज पे देखिए, खूबसूरती तो चाहिए ना, जैसे मैंने कहा इतना प्लेन है तो नीड सम यू नो उसमें कलर्स और चीजें कुछ ना कुछ होना चाहिए। वाह जी वाह। तो ये जो है ये तैयार है ना। क्या कुछ डाला? अच्छा, जी इसमें जो हमने चीज़ें ऐड की है, क्रीम है, दूध है। अच्छा आसान ये कि मैं कोई वाइट सॉस नहीं बनाई इसमें, बस क्रीम दूध चीज़ इसमें मिक्स कर दे, दो तरह की चीज़ें चेडर चीज़ और साथ में चिकन को सिर्फ काली मिर्च नमक सोया सॉस विनेगर से पकाया, उसमें मैंने बॉयल आलू डाले और बॉयल मैक्रोनीस डाली। अच्छा मुझे ये बताइए अगर मैं ये मैक्रोनी को कॉर्न से रिप्लेस कर दूं तो कर सकता हूं? बिल्कुल, इसमें आप कॉर्न भी डाल सकते हैं, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स बिल्कुल आप कॉर्न डालें, कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन कॉर्न भी जो है ना वो भी अगर आप वेट की वजह से करें तो वो भी वेट बढ़ाता है, अगर वेट की वजह से आप वही कितना वो जो स्मॉल वाला मिलता है ना स्वीट कॉर्न, बस वही खा सकते हैं। ज़ुकिनी भी डाल सकते हैं जो होता है, कद्दू भी डाल सकते हैं आपको डाइट करनी है तो, लेकिन इतने चीज और क्रीम के बाद कौन डाइट, कौन सी डाइट रहेगी, फिर तो कोई डाइट नहीं रहेगी। और वही आलू भी शायद आपने आलू ठीक है डालना है तो वरना आई वुड सजेस्ट कि आपने मशरूम भी डालना, ये सिर्फ मैक्रोनी एंड इट्स ऑल चीज। अच्छा बच्चों को जो है ना मशरूम से ज्यादा ना वो मशरूम निकाल के साइड पे रख दे तो उनको आलू ज्यादा पसंद आते हैं। ओ। वो आलू जो है ना, आप मेरे बेटे को भी आलू ज्यादा पसंद हो गए? नहीं उसको तो अभी मुझे समझ में, सब कुछ खा लेते हो मतलब बिरयानी ज्यादा अच्छी, बॉईल करके आलू उसमें सब मिक्स किया, उसके बाद फिर आपने जो है वेटी के आपने माइक्रोवेव के उसमें डालना है और उसके बाद फिर इसमें आपने इसको जो है इसका ऊपर की लेयर जो है उसको हल्का सा रेड करना है और ताकि वो चीज़ जो है वो पिकल जाए। ऊपर की तरफ मैंने मोज़रेला डाली, अंदर जो ऐड की वो चेडर चीज़, तो ये दोनों चीज़ें चीजों चीज कर दिया आपने, चीजों चीज हो गया है। अच्छा जी अब मैं बनाने वाली हूँ स्ट्रॉबेरी कोलाडा, उसके लिए स्ट्रॉबेरीज की जरूरत है हमें, मैंने स्ट्रॉबेरीज डाल दी इसमें, साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी कोकोनट मिल्क जो मैंने पाउडर लिया था, उसके अंदर गर्म पानी में इसको
डालने के बाद ये कोकोनट मिल्क बन गया। इसको थोड़ा सा जो बहुत हेल्दी होता है कोकोनट मिल्क, हाँ इट्स रियली गुड। और इसके साथ ही मैंने थोड़ा इसमें दूध भी ऐड किया, तकरीबन आधा कप जो है वो दूध आ जाएगा। शुगर आप अपने हस्ब जायका, कितनी मज़े का टेस्ट बनने जा रहा है आपने इसमें कोकोनट मिल्क डाला है, बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग हो। जो एक चम्मच है कोकोनट भी ऐड कर दिया। आप इसे से क्या नाम है भाई, इतनी ज़बरदस्त में कोकोनट भी आपने डाला है, ये वो है ना स्ट्रॉबेरी कोलाडा ना, स्ट्रॉबेरी कोलाडा। अच्छी तरह से ब्लेंड, ब्लेंड हो गया और ये हो गया है तैयार दी स्ट्रॉबेरी कोलाडा। बहुत डिलीशियस, बहुत मज़ेदार। देखिए स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी खट्टी होती है, मैंने कम चीनी डाली है, अगर आपको और चीनी किसी को डालनी है तो और डालें। मैं तो खैर कम, मैं तो खट्टा वट्टा पी लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, फसी भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज डन, दिस इज डन जी। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। अच्छा जी, हमारा स्ट्रॉबेरी कोलाडा भी है तैयार है, और उन्हें आज मैक एंड चीज़ जो है वो बनाई है, वो चिकन और इसमें पोटैटोज़ भी इसमें डाले हैं, और ये भी तैयार है। उसकी बड़ी अच्छी महक जो मुझे चीज़ की है ना वो मुझे आ भी रही है। थैंक यू सो मच जी। नाज़िया जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, डॉक्टर अमिराइल भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उम्मे, कैसी आप, ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आ जाओ जी, बिल्कुल उम्मे आ जाए, बिल्कुल जी, क्योंकि उम्मे अभी अभी ये ख्याल आया मुझे कि जैसे ताकतों की बात हो रही थी तो उस दिन कम खाया जाए ताकि नींद का गलबा ना हो, है ना, लाइट ही रखें ताकतों में, क्योंकि अगर आप ज्यादा खाएंगे तो वो नींद आएगी, नींद भी आएगी, और ज्यादा खाएंगे तो फिर उसके बाद आपने इबादत करनी है, इसमें भी फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो हाँ, सो कोशिश करें। ओके चलिए, मैं जाती हूँ।